चीज इस बात को हम याद रखें, सदका देने की बात कभी वापस ना लें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी और फरमाते कहते हैं सिलसिलतुल हदीस सहीह की रिवायत आपने फरमाया, बेशक वो आदमी जो अपने सदक़े को वापस ले उसकी मिसाल ऐसे है कि कोई कुत्ता शेर भर होकर खाए, पेट भर कर खाए, फिर क़य करे और क़य करने के बाद फिर उस क़य को खा ले। सदका देने के बाद वापस ना लो, सदका देने के बाद वापस ना लो। हमारे पास सदका देकर हीले से वापस लेते हैं, हीले से, मालूम आपको, सदका देकर हीले से वापस लेते हैं, ये कुत्ते की कैद करने से और खाने से सदका तो दूर की बात है। यहां तो हदीस में सदका है, हम अपनी जकात को हीले से वापस लेते हैं। आपको मालूम जकात हीले से वापस कैसे ली जाती है, बताया तो आपको, मिसाल सुन लीजिए। एक नाबीना, दो चार नाबीनों को पकड़ लेते एक शहर में, नाबीना अंधे, उसको लाकर बिठा देते अपने इदारे के अंदर। एक शख्स आता है कि मेरी जकात जो है 10 लाख हो रही है, क्या किया जाए? वो कहते हैं एडजस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख के अंदर। वो जकात कैलकुलेट करके निकालता है 10 लाख। नाबीना बैठा होता है, बोलते तोहफा नाबीना आपको, नाबीना तोहफा ले लेते हैं, आपको जकात दी जा रही है, बोलते नाबीना जकात कबूल कर लेते हैं, 10 लाख जकात किसको चले गई? नाबीना साहब को। फिर नाबीना साहब क्या करते, फौरन जकात लेते और कहते ए अल्लाह, मैंने ये इसमें से 9 लाख रुपये इनको वापस तोहफा दे दिया। माशाल्लाह, जकात के अंदर भी कैसा निकाले, जबरदस्त सिस्टम। जैसा सीए करते हैं ना हमारे यहाँ दुनिया के मामलात में, तो हमारे भी कुछ सीए बैठे हुए उधर जो दीन के मामले में भी निकालते ही ले। हो गया 1 लाख में 10 लाख की जकात, माशाल्लाह क्या जबरदस्त रास्ता है ना। 10 लाख की जकात 1 लाख देके अदा हो गई, जकात भी होगी, तोहफा भी आ गया। ये मेरे घ्यू जकात के, वो नाबीना लेता हाथ लगाता है, कबूल किया मैंने आपकी जकात, फिर वो बोलता है ये तोहफा है आपको, ये समझ रहे आप, हीले। यहाँ तो नफली सदकात की बात हो रही है, यहाँ तो हम फर्ज में हीले निकालते हैं, है ना। तो बहरहाल सदकात वापस, ये भी लेने की किस्म हुई ना, हीले से ले रहे हैं वापस ना ले, इसलिए कि सदका लेना ऐसा ऐसे कुत्ते ने खाना खाया पेट भर, फिर खै करके फिर वो उसको खा रहा है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुस्लिम की रिवायत है, मैंने एक शख्स को एक घोड़ा दिया, कीमती घोड़ा, उसने घोड़ा घुमा दिया। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा अब तो उसकी मिल्कियत से निकल गया ना, घोड़ा निकल गया ना, घुमा दिया ना उसने। इन्होंने सोचा अगर वो घोड़ा मिल जाएगा ना तो कोई भी बेचने वाला सस्ते दामों में बेचेंगे ना उस घोड़े को, तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन सोचा मैं अल्लाह के रसूल से बात तो कर लूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछ लूँ। आप घर का अल्लाह के रसूल, एक घोड़ा मेरा था बड़ा कीमती, मैंने दे दिया था किसी को, सदका कर दिया था, अब वो गुम गया, अब अगर वो घोड़ा किसी को मिल जाए तो क्या सस्ते में ले लूँ? तो क्या उमर उस घोड़े को वापस न लेना, चूंकि सदका कर चुके थे ना तुम वो घोड़ा, उस घोड़े को वापस न लेना। फिर आपने फरमाया तुम एक दिरहम में क्यों ना दे वो घोड़े को तुम वापस लेना, क्योंकि अपना सदका वापस लेने वाला शख्स इस कुत्ते की मानिंद है जो अपनी खै को दोबारा चाट कर खाता है। कहा नहीं, तुमको मालूम है तुम्हारा ही घोड़ा है, अब चूंकि गुम गया अब सस्ते ही मिलेंगे ना, तो कहा एक दिरहम में मिले तो नहीं लेना, सदका था ना, गया गया सदका, अब नहीं लिया जाएगा, दे दिया दे दिया, मत लेना, इसलिए कि वो कुत्ते के पेट भर कर खा के खै करके खाने की मानिंद है। तो इन चार चीज़ों से बचे, रिया का